देखिए जी, परमेश्वर जी तो हमारे बहुत अभिन्न साथी हैं, बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं, परिवार के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, चेयरमैन भी हैं हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ लड़ाई पदों की नहीं है, यहाँ लड़ाई कर्नाटक के लोगों को एक भ्रष्टासुरा सरकार से राहत दिलाने की है। यहाँ लड़ाई हर घर तक 200 यूनिट बिजली फ्री पहुँचाने की है, जो गृह ज्योति योजना है। यहाँ लड़ाई हर महिला को, जो घर की महिला मुखिया है, उस तक 2000 रुपया हर महीने उसके खाते में पहुँचाने की है, जो गृह लक्ष्मी योजना है। यहाँ लड़ाई किसान को, गरीब को, दलित को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को, महिला को, युवा को, उनको न्याय दिलवाने की है। और हमारी लड़ाई पदों से बढ़कर प्रदेश के लिए है, कर्नाटक के लिए। क्या किसी की MLA, MP, मिनिस्टर बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? वो ठीक है, राजनीति में इच्छा या आकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, पर डॉक्टर साहब परमेश्वर जी हों, MB पाटिल जी हों, DK शिवकुमार जी हों, सिद्धारमैया साहब हों, हम सतीश जारकिओली हों, सलीम अहमद हों, हम सब हों, हमारा लक्ष्य केवल एक है, ब्रांड कर्नाटका दुनिया में सबसे बड़ी ब्रांड बनकर उभरे। और उसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी की हार में ही कर्नाटक की जीत है।